नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फादरहुड वेब सीरीज के बारे में, जो कि आज से कुछ समय पहले यानी कि उल्लू प्लेटफॉर्म पर लीज कर दी गई थी 17 अगस्त को, और बात करेंगे इस वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं दोस्तों इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट के बारे में। तो आपको जो है आशमित पटेल जो कि इस वेब सीरीज में संग्राम की भूमिका में, और इसके अलावा आपको आलम खान जो कमल सिंह की भूमिका में, और खुशी मुखर्जी यानी कि जो कि नैना माथुर के रोल में इस वेब सीरीज में नजर आने वाली है। आपको बता दें कि मुख्य तौर पर ये तीन स्टार कास्ट है जो कि इस वेब सीरीज में नजर आने वाली है, और पूरी की पूरी कहानी जो है इन्हीं के ऊपर घूम रही है। लेकिन इसके अलावा आपको जो इस वेब सीरीज में जो है शेरिन परवीन जो कि सुधा सिंह के रोल में नजर आने वाली है, और इसके अलावा ऐश्वर्य सुरभि जो कि आपको रिमी की भूमिका में इस वेब सीरीज में नजर आएंगे। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो आप सबको पता ही है कि उल्लू प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज ज्यादातर इनकी एक तरह से एरोटिक की वेब सीरीज होती है, और इन वेब सीरीज में काफी ज्यादा आपको अडल्ट और बोल्ड सीन भी देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इस वेब सीरीज की दो तरह के रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, और जब जैसे इस वेब सीरीज का इनकी टीजर लॉन्च कर दिया गया था तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वेब सीरीज किस तरह की होगी और क्या स्टोरी जो देखने को मिलने वाली है। और जिस तरह से इस वेब सीरीज का नाम इनकी फादरहुड रखा गया, तो आपको बता दें कि इस वेब सीरीज की एक तरह से आपको दो कहानियां जो बताने की कोशिश की गई है। एक ऐसे पिता की कहानी जो कि अपने बेटे के प्रति बहुत ही जागरूक होता है और उसको बात बात पर डांटता रहता है, इनकी काफी सख्त होता है, और उसका बेटा जो कि काफी डरा हुआ रहता है और हमेशा अपने पिता से कांपता रहता है, क्योंकि उसका पिता जो था बहुत ही जिस तरह वेब सीरीज का नाम ही फादरहुड रखा गया है, इनकी एक तरह से रॉबिन हुड की तरह जो इस वेब सीरीज को दिखाया गया। लेकिन दूसरा पहलू जो कहानी में ये भी देखने को मिलता है कि जैसे ही इनकी एक लड़की की एंट्री जैसे घर में होती है, तो उनका फादर जो था बिल्कुल बदल जाता है और सारा के सारा खेल इनकी सेक्स के लिए होता है। तो दोस्तों वेब सीरीज में ये भी एक चीज देखने को मिलती है कि जहाँ पे भारतीय समाज में एक तरह से इनकी बेटे के और पिता के रिलेशन काफी अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात सेक्स के लेकर आ जाती है तो इस वेब सीरीज में ये सब कुछ इनकी काफी अच्छा नहीं दिखाया गया। इनकी जैसे वेब सीरीज में आपको ये देखने को मिलता है कि इनकी नैना माथुर की एंट्री हो जाती है, जिसकी भूमिका में जो आपको खुशी मुखर्जी जो निभा रही है, जैसे ही उनकी एंट्री इस वेब सीरीज में होती है तो पूरा का पूरा इनकी वेब सीरीज जो है इनकी चेंज हो जाती है। जो पिता अपने बेटे के प्रति काफी सख्त होता है, इनकी उसको बात बात पर डांटता रहता है और उसको करीब बनाने की कोशिश करता है, बाद में वही पिता जो तो उसके सामने बिल्कुल नरम पड़ जाता है, उसको बात बात में समझाता रहता है और बाद में उसको सेक्स एजुकेशन भी देने की कोशिश करता है, और इस तरह से बेटे को ये सारी बातें समझ में नहीं आती कि मेरे साथ जो पहले वाले पिता थे यही पिता है मेरे साथ बातें कर रहे हैं या कोई और पिता है जो मेरे साथ ये बातें कर रहे हैं। फिलहाल तो दोस्तों वेब सीरीज के दो तरह के रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एक रिव्यू ऐसे मिल रहे हैं कि जो लोग अडल्ट वेब सीरीज देखना काफ़ी पसंद करते हैं वो तो काफ़ी अच्छे जो है इस वेब सीरीज के रिव्यू दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है और जो वो वेब सीरीज देखना चाहते थे उल्लू प्लेटफॉर्म में वो उनको सब कुछ देखने को मिलने रहा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे रिव्यू देखने को मिल रहे हैं कि जिन लोगों को ये लगता था कि भारतीय समाज में बाप बेटे के ये रिश्ते को काफ़ी गंदे तरीके से दिखाया गया, जो कि एक सेक्स के प्रति जैसे ही इनकी एक लड़की जो थी एंट्री कर लेती है तो किस तरह से बाप बेटे इकट्ठे हो जाते हैं और एक ही लड़की साथ इनकी इंटीमेट होते हैं। फिलहाल तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट इस वेब सीरीज के बारे में, और बाकी अगर आप वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो उल्लू प्लेटफॉर्म पर जाकर खुद वेब सीरीज को देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उल्लू प्लेटफॉर्म का इनकी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उन लोगों को अब उल्लू वेब सीरीज को देखने के लिए यानी कि उल्लू प्लेटफॉर्म पर अब जो दो तरह के वेब सीरीज आ रही हैं, इनकी वेब सीरीज तो रिलीज कर रही है लेकिन उनके सीन काट दी जा रहे हैं, और अगर आप उन सीनों को भी देखना चाहते हैं तो आपको जो उल्लू प्लेटफॉर्म का एक अलग से सब्सक्रिप्शन के भी जो अलावा आपको प्रीमियम लेने पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो और नई अपडेट्स के साथ इनकी नई वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। अगर चैनल पर नए और हॉट रोमांटिक वेब सीरीज की अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक मैं दोस्तों धन्यवाद।